नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है खान लर्निंग क्लास में। दिस इज़ अज़रा खान फ्रॉम खान लर्निंग क्लास। उम्मीद है आप रोज़ाना की तरह अच्छे होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? फर्स्ट है खेल, सेकंड भाषण, सी कहानी लेखन और डी निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो बच्चों के सृजनात्मक के विकास में क्या सहायक नहीं होता है? निर्माण संबंधी क्रियाएं, क्योंकि सृजनात्मक वो केवल खेल में, भाषण में, कहानी लेखन में कर सकते हैं, निर्माण संबंधी क्रियाओं में नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास। अब किसका विकास था? फ्रोबेल जो थे, अब शिक्षा विज्ञान में या शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान किसका विकास था? फर्स्ट है व्यावसायिक स्कूल, सेकंड है पब्लिक स्कूल, सी किंडरगार्टन एंड डी लैटिन स्कूल। तो फोर्थ क्या हो, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? किंडरगार्टन, जो बच्चों के लिए एक विधि बनाई गई थी जो फ्रोबेल के द्वारा किंडरगार्टन की विधि का अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। अब संश्लेषण क्या है? देखिए, फर्स्ट है इसमें निबंध लिखना, बी भाषण देना, सी प्रमेय सिद्ध करना और फोर्थ है चित्र रंगना। तो संश्लेषण करना मतलब, देखिए तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रमेय को सिद्ध करना। अब कोई टास्क दे दिया है, उसको बच्चे कैसे सिद्ध करेंगे? तो हमें टास्क बच्चों को दे देना है जिसको वो सिद्ध करने में सफल हो सकें, तो ये हो जाएगा उनका संश्लेषण। नेक्स्ट है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। अब बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा क्या होती है? फर्स्ट है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, बी सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सी पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या फिर डी पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो ये इसमें क्या हो जाता है? क्रियात्मक विकास की दशा इस तरह से होती है। नेक्स्ट है, बालक का विकास परिणाम है। अब बालक का विकास किसका परिणाम है? फर्स्ट है वंशानुक्रम का, सेकंड है वातावरण का, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का एंड डी आर्थिक कारकों का। तो बालक का विकास जो है वो किसका परिणाम हो जाएगा? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया पर। एक तो बच्चे का विकास वंशानुक्रम से चलता है, कद काठी होना, किस तरह से होना, हाइट कैसी दिखेगी, बच्चे का कलर कैसा दिखेगा, तो ये वंशानुक्रम है। और अतिरिक्त जो उस पर प्रभाव पड़ता है वो वातावरण की अंतः प्रक्रिया का पड़ता है, मतलब जिस प्रकार के एटमोसफेयर में बच्चा रहता है उसी प्रकार का प्रभाव उस पर दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, बी सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सी मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इन सभी चीज़ों में सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन भी होता है, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का भी होता है और मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का भी होता है। ये तो सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, सेकंड है अधिगम को सरल बनाएगा एंड सी बौद्धिक विकास में सहायता करेगा एंड डी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो प्राथमिक स्तर पर मतलब प्राइमरी स्टेटस के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना ही बेहतर है। तो उसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? कि वह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, क्योंकि जितना बच्चे प्राकृतिक वातावरण में सीखते हैं उतना किसी वातावरण में नहीं सीख पाते हैं। नेक्स्ट है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अब ये शिक्षक के लिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि श्याम पट पर जब हम लिखें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना।
तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? अच्छी लिखावट। यदि हमारी लिखावट अच्छी नहीं होगी, प्रभावी नहीं होगी, तो हम बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे। और जब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा तो बच्चा आपसे अट्रैक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? फर्स्ट है, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, सी कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या फिर डी उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे क्या हो जाएगा, कि कारण जानने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि बच्चा स्कूल आया लेट तो क्यों आया। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अब शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, एंड बी विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, एंड डी व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा? व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, मतलब उनके व्यवहार में भी शिक्षा झलकनी चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तित करने में, अब देखिए, विद्यार्थी को दंड देना फर्स्ट ऑप्शन, बी अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, अब सी अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, एंड डी इसकी उपेक्षा करना। तो अवांछित व्यवहार में हम परिवर्तन कैसे करेंगे? अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उसका उपचार का प्रबंध करना, क्योंकि जब तक हमें रीज़न पता नहीं होगा हम उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, बी शिक्षक असफल है, सी पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, डी या व्यक्तिक असफलता है। तो क्या समझा जाता है? कि व्यक्तिक असफलता है, मतलब पर्सनली कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बच्चा असफल हो रहा है। नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, फर्स्ट है उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी ईमानदारी, सी सहभागिता, डी आज्ञाकारिता। तो विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगी? आज्ञाकारिता, कि विद्यार्थी को आज्ञाकारी होना चाहिए, यही उसकी विशेषता है। नेक्स्ट है, आप किसी कक्षा में पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? मतलब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी विषय से असंबंधित, मतलब अदर विषय से या किसी और टॉपिक पर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका ऑप्शन है, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, बी उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, या फिर कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चे के प्रत्येक समस्या को समाधान करे। नेक्स्ट है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, फर्स्ट कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, बी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, और यहाँ उसमें रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अब लास्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का क्या कारण है? अब विद्यालय से विद्यार्थी क्यों भाग जाते हैं? ऑप्शन है, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, एंड सी विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, डी समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो मतलब जैसे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और शिक्षक उसका समाधान नहीं करता है और उसे दंड दे देता है या कोई अनावश्यक रूप से उससे कुछ कह देता है, तो बच्चा उस चीज़ को नेगेटिविटी में ले लेता है और स्कूल या क्लास छोड़कर भाग जाता है। नेक्स्ट है, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, श्रम सभी जानते हैं मेहनत हार्डवर्क, फर्स्ट है शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, बी शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, सी समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, एंड डी विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, इससे क्या होगा कि उनमें स्फूर्ति का विकास होगा। नेक्स्ट है,
बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। बी, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। सी, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। एंड डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रम विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो लास्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रम विकास के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि अब प्राथमिक शिक्षक जो होता है, जो फर्स्ट टू फिफ्थ बच्चों को पढ़ाता है, वो प्राथमिक शिक्षक है। ये बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। बी, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। सी, ये बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। एंड डी, ये बच्चों के व्यवहार को समझाने के लिए शिक्षक की सहायता है, समझाने में शिक्षक की सहायता है। तो ये मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। यदि हम मनोविज्ञान नहीं समझ सकते तो हम बच्चों के मन को भी नहीं समझ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक हैं के विकास का अर्थ है। अब मानवीय मूल्य, फर्स्ट ऑप्शन है मतारोपण, बी है अंगीकरण, सी है अनुकरण और डी है अभिव्यक्ति। तो मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है उनका विकास का अर्थ है। तो उसका विकास का क्या अर्थ हो जाएगा? अभिव्यक्ति करना या अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होना चाहिए जिससे वो विद्यार्थियों को समझ सके? फर्स्ट है बाल मनोविज्ञान, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? उपरोक्त सभी, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का होना भी ज़रूरी है, बच्चों की समझने की प्रवृत्ति भी समझना चाहिए, विषय वस्तु को भी समझना ज़रूरी है। तो ये राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किस कक्ष में बनते हैं बच्चे सक्रिय सदस्य? किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, प्राक बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में? तो किस में बन जाते हैं बच्चे? किशोरावस्था में समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोचित्रण का संदर्भ है, मनोचित्रण यानी मन का चित्रण। ऑप्शन है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, बी जोखिम भरे कार्य करने के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना, एंड डी मन के कार्य का अन्वेषण। तो मनोचित्रण का संदर्भ क्या हो जाएगा? मन के कार्य का अन्वेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि? अब बालिका शिक्षा पर ज़्यादा बल क्यों दिया जा रहा है, क्यों देना चाहिए? फर्स्ट है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, बी बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, सी अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, एंड डी किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो सामाजिक नेतृत्व यदि करेंगे तो उसमें बालिकाएं पहले आगे आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, बी प्रसव पूर्ण अवस्था से, सी शेषावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास कब से होना शुरू हो जाता है? प्रसव पूर्ण अवस्था से, जब बच्चा गर्भ में होता है तो तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी को आइडेंटिफाई करने की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है? तो तार्किक गणितीय विधि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। तो क्या कहलाएगी? प्राकृतिक बुद्धि, क्योंकि तो जितना बच्चा प्राकृतिक से जुड़ा रहेगा, सब चीज़ों को समझेगा, तो वो देखकर सीखेगा, प्रैक्टिकली सीखेगा। नेक्स्ट है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। तो चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि, मतलब जानने की गतिविधि। नेक्स्ट है, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वे प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक रचना को संशोधित किया जाता है वे कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। तो क्या कहलाती है वो? समावेशन। नेक्स्ट है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनीय
संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। किसके लिए है? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, बी विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, सी विद्यालय का नाम रोशन करने, या डी अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। तो इसके लिए हम नई नई प्रस्तुतियाँ करना चाहिए या पत्रिका निकालना चाहिए। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए सहयोग की नैतिकता, बी नैतिक तर्कणा, सी नैतिक यथार्थवाद, एंड डी नैतिक दुविधा। तो कोलबर्ग के अनुसार गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने की चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कणा। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो ये वीडियो आप अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि सीटेट में उनके एग्ज़ाम में मदद मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।